गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज जुमे का दिन भी है और आज जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा मिलाद भी हो रहा है और कलंदर बाबा का उर्स हो रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ें वक्तन दिखाता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है और अब इंशाल्लाह जैसे थोड़ी सी देर में मगरिब हो जाएगी तो लंगर का शुरू हो जाएगा और लंगर में दिखाया जाएगा आपको किस तरह से तरतीब से लाइन में लगा के दिया जाएगा और सब इतने सारे लोगों के लिए एक साथ इंतजाम करना देखिए किस तरह से किया जा रहा है। लोगों को वापसी आने नहीं देना, लोग यहाँ से वापसी नहीं आएंगे, यहाँ से बंदे वापस नहीं आएंगे। आप बोलेंगे आगे बढ़ते जाओ, हरीफ भाई बंदों को बोलेगा वहाँ से बाहर निकल। देखिए अब इंशाल्लाह लंगर मिलने के लिए गेट खोल रहे हैं और जैसे ही इंशाल्लाह गेट खोलेंगे देखिए कितना रश हो जाएगा लोगों का और उनको इतनी तरतीब से लंगर दिया जाएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक भाई की तो टेक्निक के कितने अच्छे तरीके से दे रहे हैं। यूं सामने गाइस ये देखें कि जो रश है कि जिस तरह से कि लंगर मिलना शुरू हो गया और ये रश मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता जितना है कि, लेकिन फिर भी ये अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे कितने लोग इस तरह से जा रहे बना दे। वो सबकी बन रही है। अरे यार जाइए, मैं सब जा रहे हैं। कैसे भाई आप लोग ठीक है? जस्ट आ गई हैं? जस्ट आ गई। चाय पी थी? चाय पी थी, कैसी लगी थी? कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का। कहाँ से आए आप? जी हम सियालकोट मुरादाबाद की तरफ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है जी। ये एक रूहानी महफिल है और इसके अंदर आने से बहुत ज़्यादा हमारी जो कमियाँ कोताहियाँ वो दूर होती हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी रूहानी तरबियत होती है इधर और बड़ा अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह तआला। चले ठीक है भाई, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है आपसे कि ज़्यादा बातें करूं, लेकिन आपको पता है कि इतने सारे लोग हैं तो सबसे कुछ ना कुछ बात करने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए भाई आप? गोजरा या गोजरा है ना। जो ये देखें कि आप इधर आए हैं तो कितने दिन पहले आए? 24 साल। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। चले भाई, बहुत खुशी हुई आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं भाई? इस्लामाबाद से। अच्छा, ये जो आपके साथ बैठे हैं ये और ये जो हैं साहबजादे ये है ना, और ये सब आप लोग एक साथ आए हैं या अलग-अलग हैं? अलग-अलग हैं लेकिन इस्लामाबाद से ही हैं सारे। भी ये मेरा भांजा है जी। अच्छा, और हम लोगों से घर से फैमिली से 12 लोग आए हैं जी। अच्छा, 5 बच्चे हैं और 7 बड़े हैं। अच्छा, कैसे फीलिंग हो रही है आपको, कैसे महसूस हो रही है यहाँ पे आकर? जो वालों तो जल्दी याद हैं उसका एक लहदा सी अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत मज़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे 3 साल से क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा दूर गए लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी थी। अब आए बस नहीं दिल करता यहाँ से जाने का, बाबा जी को लेकिन यही है कि बस जाना पड़ता है, बाकी मामला देखते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुर्शिद करीम को हमारे साया सलामत रखे उनका हमारे सरों पर, तो बस यहाँ की जो वाइब्रेशन हैं और जो
बिल्कुल बंदे को ऐसा कर देती है जिस तरह कि बंदा अभी दुनिया में आया हो। वैसे आपकी भी फेस लोकेशन देख के तो वाकई में मैं तो हूँ, लेकिन दुनिया भी देखेगी तो ये होगा कि वाकई में आप बहुत खुश हैं, जैसे कि इंसान के चेहरे से पता चल जाता है। अच्छा, आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस सर, मैं यही कहूँगा कि आज के दौर के हिसाब से ये सिलसिला अज़ीमिया का जो ये बाबा जी ने बनाया, जो सिलसिला चल रहा है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में और साइंस की रोशनी में मिला के बाबा जी ने उनको ऐसे बयान किए कि हर बंदे की समझ में आने वाला अकल और फहम वाले बंदे को पता लगेगा कि बाकी इस सिलसिले में आने के बाद बहुत चेंजिंग आएंगी और पता लगेगा कि क्या अल्लाह पाक के अहकाम हैं, क्या प्यारे नबी के अहकाम उन्होंने आके बताएँ, जो ये औलिया इकराम के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी जिस तरह ये आप इस दफ़ा बहुत क्राउड है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल से ज़्यादा लोग इसमें ज़मीनी सिलसिला में इन्वॉल्व होंगे। भाई, आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं अभी ऐसे ये थोड़ी सी ये है आपसे और बात करूं, लेकिन मजबूरी है कि अभी बहुत अभी इतना आपको पता है, बड़ा प्रोग्राम है, जी सब कुछ दिखाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे लिए भी सलामत रखिए जी, आपको भी जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा और आगे ये यहाँ लगा दूँ? नहीं नहीं, वो आवाज़ सही नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? भाई कौन से शहर से आए आप? चिन्नौर से। अच्छा, तो ये है कि आपको कैसा लग रहा है? आज से थोड़ी आ रहा हूँ, 20 साल हो गए। नहीं, इस दफ़ा आके कैसा लग रहा है? इस दफ़ा आके क्योंकि 2 साल बाद उर्स हुआ है ना, इसलिए। पता क्या, इस दफ़ा आके ये लग रहा है कि शुक्र है जी कि ये कोरोना वकोना ख़त्म हुआ और हमें इजाज़त मिली कि हम पीर मुर्शिद के हाँ तक जा सकें, उनकी ज्यादा कर सकें जी। मुझे खुशी तो भाई बहुत हो रही है कि अभी आपसे और भी बातें करता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और भी लोगों के इंटरव्यू लेने हैं, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे छोटी देर ब्रेक के बाद। अच्छा निज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पे सारे शीशे के गिलास और इस तरह से ये तो, और ये जो है पानी के मिट्टी वाले जो खड़े हुए हैं, अपने देखें कितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं इनसे। तो इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या है। पहले ये भाई आए, भाई आप ये बताइए कि आपको कैसा सिस्टम लग रहा है? बहुत अच्छा सिस्टम, सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है ना, कि देखें कितने साफ सुथरे क्लीन ग्लासेस और इतना प्यारा माहौल। ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ पे कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? जी मैं वाटर सप्लाई में हूँ माशाल्लाह। जी अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, और उसके मौके पर खिदमत करते हुए। 3 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, 3 साल बाद। जी जी, और बहुत ही अच्छा सेटअप है, मैं अभी दिखाऊंगा सबको कि ये देखिए, मैं थोड़ा पीछे से दिखा सकता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से। शहरों बस्ती बन इस चांद को देखकर परवाने, इस चांद को देखकर परवाने, इस चांद की ईद मनाते हैं। हर फिक्र पे शोर सा उठता है, हर फिक्र पे शोर सा उठता है, हर अमल पे दीप सा जलता है। जब रात को मन की महफिल में उस चांद का चेहरा चलता है, जब मन के गगन के आंगन में अंधियारा ही अंधियारा था, हम पीत नगर के लोगों ने एक रूप का चांद उभारा था। क्या कहा था अल्लाह जी? जी फहीन अजीम है, मुर्शिद करीम की मोहब्बत में बड़े हसीन एहसास है। मोहम्मद जे शहर में हर शे में ताजगी है, मोहम्मद के शहर हम ढूंढ
मुझे वो सारे यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं, शैम्पू है और भाई क्या है, मंजन भी है, मंजन नहीं, अच्छा वो शैम्पू है, शैम्पू है, ऑयल है, क्रीम है और मैजलिन है, सोलकोर और शहद, फ्लोरा हनी है, अच्छा आजिम है, बोटावीरा है, मोरिंगा है, हल्के गुलाब है, स्प्रे, अच्छा पैसे एडवांस आपको मतलब भेजने पड़ेगा, चार महीने 100 रुपये दे दो आपके ही नाम, अच्छा ठीक है, चल रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, चल अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कहाँ से हैं आप? कराची से आया। कराची से कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये माशाल्लाह से, ये शहजादी कौन है, इनका नाम क्या है? फबीहा फातमा। फबीहा फातमा, चलिए ठीक है, आप लोग इन्जॉय करें इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? उमैर। उमैर, और आपका नाम? फर्रुख। अच्छा, आप कहाँ से आए? लोग नर्सरी से आए हैं। कराची से ही? कराची। और आप? कराची से। अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है इधर आके? अच्छा फील हो रहा है, जी मिक्स एक्सपीरियंस, अच्छा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इतना रश नहीं है, यहाँ पे भी अगर वो लोग कम आ रहे हैं, नहीं लोग तो बहुत हैं, हाँ। सारे के सारे पंडाल में चले गए हैं, अच्छा। जहाँ पे मिलाद हो रहा है, ठीक है, ये तो अभी चंद लोग समझ लेना होने के बराबर है, जो ये कह भी रहे हैं कि अभी वो बंद होगा ना, उसके बाद स्टॉल खुलेंगे, अभी स्टॉल ये तो पूरी रात खुले रहेंगे, ऑफिशियली खुले नहीं है, जी जी ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। इधर आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटे? अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पे आई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत क्या अच्छा। क्या खाया आपने, मुझे ये बताइए? फ्रेंच फ्राइज और वो बारबेक्यू का जो सामान था। अच्छा, ये ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।